अरुणाचल प्रदेश वन विभाग के मंडी सर्कल में वन रक्षकों के 38 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए युवा खूब पसीना बहा रहे हैं। चयन प्रक्रिया के पहले पड़ाव में युवाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा बल्ल घाटी के गागल खेल मैदान में जारी है। बता दें कि वन विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में वन रक्षकों के पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। इसकी जानकारी चीफ कंजर्वेटर एसके मुसाफिर फॉरेस्ट सर्कल मंडी ने दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं एसके मुसाफिर। वन वृत्त में 38 पोस्टों के लिए फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट की जा रही है और इसमें जो है लगभग हमारे 26,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें 18,290 मेल कैंडिडेट हैं और 7,710 जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और जिसमें जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज़ क्या बोलते ग्राउंड टेस्ट जो है वो हमने 21 सितंबर से स्टार्ट कर दिया है और ये प्रक्रिया चलेगी हमारी 20 अक्टूबर तक। और डेली लगभग हमने 1150-1150 कैंडिडेट को बुला रहे हैं और इनमें से एवरेज जो है डेली हमारे कोई 60% आ रहे हैं। एवरेज 650 या 670 तक एवरेज बच्चे आ रहे हैं और जो है काफ़ी भारी कंपटीशन हो रहा है इनका। और इसमें जो क्वालिफाई कर रहे हैं जो हमारे उसमें इसको 33 से 35% तक बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है हम जब ये 20 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी तो 31 अक्टूबर को जो है इनका रिटर्न टेस्ट होगा। पहले गार्ड्स की कमी थी, अब गार्ड्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, अभी कोई कमी नहीं रहेगी। और साथ साथ में जो कमी भी थी हमारे तो हमें जो स्थानीय जनता काफ़ी सहयोग कर रही थी आग बुझाने में, और अब गार्ड की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, अब तो कोई कमी नहीं रहेगी। तो हमने फर्स्ट गार्ड्स को जो है वेपन दे रहे हैं, उससे सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उनको, तो हमारे भी कम से कम 38 फर्स्ट गार्ड्स ने जो है वेपन ले लिए हैं, तो और जो भी अप्लाई करेंगे सबको मिलेंगे। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान वासु डोगर DCF मंडी, सुभाष पराशर DFO सुकेत सहित विभिन्न शारीरिक खेलों के प्रशिक्षक वहां मौजूद रहे। मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।